चर्चा करेंगे आर्यन कौशल की विलयता का जो ऊर्जा विज्ञान है यानी एनर्जेटिक्स ऑफ सॉल्युबिलिटी इसके बारे में। एनर्जेटिक्स ऑफ सॉल्युबिलिटी से मतलब है कि जब आयनिक ठोस को विलायक में घोला जाता है तो उस प्रक्रिया में जो एनर्जी का जो परिवर्तन है या जो एंथैल्पी का जो परिवर्तन है वो किस प्रकार से होता है और उस एंथैल्पी परिवर्तन के आधार पर हम जो विभिन्न प्रकार के आयनिक क्रिस्टल्स हैं उनका जो विलायक में घुलने की जो प्रोसेस है वो उसको समझा सकते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पे तीन एग्जाम्पल आपके सामने बोर्ड पे नोट किए हुए हैं जो ये दर्शा रहे हैं कि इनकी जो विलायक में घुलने की जो प्रवृत्ति है वो भिन्न भिन्न है। तो देखिए पहला जो एग्जाम्पल ये जो घुलने की प्रक्रिया है वो उष्मा शोषी होती है यानी अमोनियम क्लोराइड को जब जल में घोला जाता है तो हमें जो विलयन प्राप्त होता है वो उसका टेम्परेचर हमें जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है या जो सराउंडिंग टेम्परेचर है उससे कम प्रतीत होता है और विलयन हमें ठंडा लगने लगता है क्योंकि इसमें डेल्टा एच का मान पॉजिटिव है। डेल्टा एच का मान पॉजिटिव से मतलब है यानी एंथैल्पी पॉजिटिव होने से मतलब है कि विलयन बनने की प्रक्रिया उष्मा शोषी है यानी इसमें उष्मा का अवशोषण हुआ है। अगला एग्जांपल है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोलते हैं तो जो विलयन है उसका टेम्परेचर हमें जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है उससे कहीं अधिक प्राप्त होता है और हमें विलयन गर्म लगने लगता है। ओके, यानी इस घुलने के प्रोसेस में उष्मा बाहर निकली है, उष्मा का उत्सर्जन हुआ है, इसलिए ये जो प्रोसेस है, ये जो विलयन बनने की प्रक्रिया है वो उष्मा क्षेपी प्रोसेस कहलाता है। तीसरा जो एग्जांपल है वो NaCl को जब हम जल में घोलते हैं तो उष्मा में किसी प्रकार का परिवर्तन या एंथैल्पी में किसी प्रकार का परिवर्तन हमें नजर नहीं आता है तो इसके लिए डेल्टा एच का मान हमने 0 लिखा है। ओके, ये बात क्लियर हो गई होगी। विभिन्न प्रकार के आयनिक ठोसों को जब हम विलायक में घोलते हैं कोई आयनिक ठोस उष्मा का अवशोषण करता है, कई जो आयनिक ठोस है उष्मा का उत्सर्जन करते हैं और कई आयनिक ठोसों पर जो है कई आयनिक ठोसों की जो एंथैल्पी है वो अपरिवर्तित रहती है, न तो उष्मा का अवशोषण होता है न ही उत्सर्जन होता है। देखिए जब कोई आयनिक ठोस जल में घुलता है तो किस प्रकार से जो आयन्स हैं धनायन और जो ऋणायन है वो जलयोजित होते हैं और उष्मा का परिवर्तन किस प्रकार से होता है। देखिए इसको समझने के लिए हम बोर्न हैबर चक्र जो पिछली वीडियोस में हमने विस्तार से पढ़ा है उसी को हम यहाँ पे जो आयनिक ठोसों की विलयता का ऊर्जा विज्ञान है उसको समझने के लिए हम अप्लाई करेंगे। तो देखिए जो कोई धातु है ठोस अवस्था में है उसको हम गैसीय अवस्था की धातु में परिवर्तित करेंगे तो उसके लिए हमें इसको एनर्जी देनी पड़ेगी और उसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन ऊर्जा। तो ये किसमें परिवर्तित हो गया? गैसीय अवस्था में। अब गैसीय अवस्था की जो धातु है उसको हमें आयनिक अवस्था में परिवर्तित करना है यानी उसके बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन्स को हमें रिमूव करना है ताकि धनायन हमें प्राप्त हो जाए। तो देखिए जो आयनर ऊर्जा है या जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है उसके बराबर जब हम एनर्जी देते हैं तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा? Mg प्लस गैसियस आयन में परिवर्तित हो जाएगा और इसका जब हम हाइड्रेशन करेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें? जलयोजित जो धनायन है वो प्राप्त हो गया। इस प्रक्रिया में एनर्जी रिलीज होती है उसको हम धनायन की जलयोजित ऊर्जा के नाम से जानते हैं यानी हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ कैटायन। दूसरी तरफ देखिए ऋणायन का बोर्न हैबर चक्र, यह जो ऋणायन का जो जलयोजन है हाइड्रेशन है उसका बोर्न हैबर चक्र दर्शाया गया है। तो इसमें देखिए कोई जो ऋणायन है वो गैसीय अवस्था में और आण्विक अवस्था में है, इसको हमें तोड़ना पड़ेगा। तो ये इस रूप में जो है गैसीय अवस्था में हमें प्राप्त होगा। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन हमें जोड़ना है तो जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है उसके समतुल्य हमें एनर्जी इसको देनी पड़ेगी। तो इसमें परिवर्तित हो गया है एक्स माइनस गैसीय में और इसमें जो जो विलायक जो एनर्जी है उस
इसको हम HS- से डिनोट करते हैं, जो कि ऋणायन की जलयोजन ऊर्जा के नाम से जानी जाती है, और यह हमें जलयोजित ऋणायन हमें प्राप्त हो गया है। ओके, तो अब इसमें देखिए कुल ऊष्मा परिवर्तन समान होगा, भले ही प्रोसेस एक पद में हो या एक स्टेप में हो या फिर मल्टी स्टेप में हो। तो क्या होगा, देखिए इसके अनुसार माइनस Q इक्वल टू क्या होगा, या Q इक्वल टू क्या होगा, S प्लस IP प्लस और HS। और इसमें अगर हम अप्लाई करें सेम चीज, तो Q इक्वल टू क्या हो गया, DY2 के बाद में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस HS। ओके, और ये जो आयनिक फोर्स है उसकी जो विलायकन ऊर्जा है या जलयोजन ऊर्जा है वो धनायन और ऋणायन की इंडिविजुअल जलयोजन ऊर्जा के योग के बराबर होती है। HS इक्वल टू क्या हो गया, HS प्लस प्लस HS माइनस। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, यहां तक सारी बातें क्लियर। आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं, देखिए थर्मोडायनेमिक्स में एक बहुत ही जाना पहचाना एक संबंध है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस पी डेल्टा एच, जो कि गिब्स फ्री एनर्जी परिवर्तन, एंथैल्पी परिवर्तन व एंट्रोपी परिवर्तन को आपस में अंतर संबंधित करता है। ओके, तो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस पी डेल्टा एच, जब किसी आयनिक ठोस को विलायक में घोला जाता है तो ये प्रोसेस है, प्रक्रम है। ओके, इस प्रक्रम के दौरान जो एंथैल्पी परिवर्तन है उसको दर्शाने के लिए हम ये जो इक्वेशन है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस पी डेल्टा एस की हम मदद ले सकते हैं। तो यहाँ पे डेल्टा एच क्या है, जब आयनिक फोर्स को विलायक में घोला जाता है उस प्रक्रिया में एंथैल्पी में हुआ परिवर्तन डेल्टा एच कहलाता है, जो कि पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इसको हम एल से डिनोट कर देंगे ताकि एल माइनस पी डेल्टा एच। ओके, अब इसमें देखिए कोई आयनिक फोर्स किसी विलायक में घुलेगा या नहीं घुलेगा उसका निर्धारण डेल्टा जी के मान से होता है, डेल्टा जी के मान से होता है। अगर डेल्टा जी का मान नेगेटिव है तो वो आयनिक फोर्स उस विलायक में घुलेगा, अपने आप घुलेगा, सेल्फ स्पॉन्टेनियसली वो जो प्रक्रम है वो संपन्न होगा। और अगर डेल्टा जी का मान पॉजिटिव है तो वो जो प्रोसेस है सेल्फ स्पॉन्टेनियस नहीं होगी, यानी वो आयनिक फोर्स है वो उस विलायक में अपने आप नहीं घुलेगा, उसके लिए हमें कुछ कंडीशंस लगानी पड़ेंगी, कुछ उसको जो टेम्परेचर वगैरह और जो उसमें कैटलिस्ट वगैरह है वो हमें ऐड करने पड़ेंगे, तब जाकर ये इसमें डिजोल्व होगा। देखिए डेल्टा जी का मान कुल मिलाकर के हमें आयनिक फोर्स को अगर विलायक में घुलना है तो डेल्टा जी को नेगेटिव करना होगा। तो डेल्टा जी नेगेटिव कैसे होगा इस पे हम बात करते हैं। देखिए डेल्टा जी इक्वल टू एल माइनस पी डेल्टा एस, हमें क्या प्राप्त करना है, डेल्टा जी नेगेटिव प्राप्त करना है। क्यों प्राप्त करना है, क्योंकि ये सेल्फ स्पॉन्टेनियस सिस्टम प्रक्रम को दर्शा रहा है। तो जब डेल्टा जी का मान नेगेटिव होगा तो वो दो स्थितियों में नेगेटिव हो सकता है, नंबर एक या तो एल का मान नेगेटिव, एल का मान नेगेटिव होने से तात्पर्य है जो विलयन बनेगा वो प्रक्रम ऊष्माक्षेपी हो। ओके, जब किसी आयनिक ठोस को विलायक में हम घोलते हैं तो उस घोलने के दौरान ऊष्मा का उत्सर्जन होना चाहिए तो वो विलयन अपने आप बनेगा, क्योंकि इसके लिए डेल्टा जी क्या होगा, नेगेटिव होगा, एल का मान नेगेटिव है, पी डेल्टा एच ऑलरेडी नेगेटिव है, ये ओवरऑल वैल्यू किसमें प्राप्त होगी, हमें डेल्टा जी का मान नेगेटिव में प्राप्त होगा। पहली बात क्लियर हो गई, अगर विलयन बनने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी है एल का मान नेगेटिव होगा, और जब एल का मान नेगेटिव होगा तो डेल्टा जी का मान भी नेगेटिव होगा। दूसरी बात देखिए इसमें, अगर एल का मान पॉजिटिव हुआ
तो क्या विभेद बन सकता है? हाँ बन सकता है। कब बनेगा? जब डेल्टा जी का मान नेगेटिव होगा। डेल्टा जी का मान नेगेटिव कब होगा? जब एल का मान कम होगा पी डेल्टा। बात समझ में आई? एल का मान अगर पॉजिटिव है तो भी विलयन बन सकता है, बशर्ते कि जो टी डेल्टा एस है उसका मान एल की तुलना में ज्यादा हो। देखिए टी डेल्टा एस का मान एल की तुलना में ज्यादा होगा तो ये नेगेटिव राशि ज्यादा होगी, पॉजिटिव राशि कम होगी, ओवरऑल डेल्टा जी का मान हमें नेगेटिव प्राप्त होगा और विलयन बन जाएगा। और अगर एल का मान ज्यादा है टी डेल्टा एस का मान कम है तो क्या होगा? विलयन ओके। अब टी डेल्टा एस का मान ज्यादा कब हो? टी डेल्टा एस का मान ज्यादा तब हो सकता है जब हमने आयनिक ठोस को किसी विलायक में घोला है और घोलने के बाद में उसका जो एंट्रोपी परिवर्तन है वो बहुत ज्यादा हो। बात समझ में आ रही है? एंट्रोपी क्या होता है? किसी भी सिस्टम की जो अव्यवस्था है उसकी जो माप है वो हम एंट्रोपी के माध्यम से करते हैं। जो सिस्टम जितना ज्यादा अव्यवस्थित होगा, डिसऑर्डरली अरेंज्ड होगा, उसकी एंट्रोपी उतनी ही अधिक होगी। ओके। एंट्रोपी में परिवर्तन अधिकतम कब हो सकता है? जब हम उसका टेम्परेचर बढ़ा दें। ओके। यानी जब हम जो आयनिक ठोस किसी विलायक में घोल रहे हैं तो उसका अगर हम टेम्परेचर बहुत अधिक कर देंगे तो ये जो टी डेल्टा एस है इसका मान घट जाएगा, साथ में डेल्टा एस का मान भी बढ़ेगा, एल का मान उससे ज्यादा हो जाएगा, डेल्टा जी हमें नेगेटिव प्राप्त होगा। और डेल्टा जी नेगेटिव प्राप्त होना इस बात का इंगित करता है कि वो सिस्टम है वो सेल्फ स्पॉन्टेनियस होगा, यानी विलयन बनेगा। ओके। तो ये बातें थी जो कि विलयन बनने की जो प्रोसेस है उसके दौरान जो विभिन्न प्रकार की जो एनर्जीज है उसमें किस प्रकार से परिवर्तन होता है, उस एनर्जी के मान के आधार पर हम ये बता सकते हैं कि जो विलयन बनने की जो प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस होगी या नॉन सेल्फ स्पॉन्टेनियस होगी। तो आज के वीडियो में इतना ही, इससे आगे हम अगले वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।